कि जिसके साथ जनता का समर्थन है, अगर जनता का समर्थन मेरे पास होगा तो वोट है तो नोट का जुगाड़ हो जाएगा, समाज पैसे का की व्यवस्था कर देता है। 2 मई 2021 को जिस दिन बंगाल और तमिलनाडु के रिजल्ट आए, उस दिन मैंने पब्लिकली इस बात की घोषणा करी है कि मैं जो काम पहले करता था वो आगे नहीं करूंगा। ये अलग बात है कि आप या आप में से कई ऐसे व्यक्ति हैं जो उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। एक साल मैंने समय लिया है ये सोचने के लिए कि आगे जीवन में क्या करूं, और एक साल सोचने के बाद फिर से वापस बिहार आया हूं, और जो बात मैंने 2020 में कही थी मूल रूप से उसी बात को पुनर्जीवित कर रहा हूं, उसी बात के प्रति अपना कमिटमेंट दिखाते हुए आपको बता रहा हूं कि आने वाले कई साल तक आप मुझे बिहार में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में ही देखेंगे। आईपैक संस्था के तौर पर दे हैव एनफ पीपल, दे माय कॉलीग्स हु हैव वर्क विथ मी, दे आर फार मोर कैपेबल देन मी। आई हैव सेड इट बिफोर एंड आई एम रिपीटिंग इट अगेन, आईपैक इज इन गुड हैंड्स, दे विल कंटिन्यू टू वर्क ऑल वेयर दे गेट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क। मेरा उनसे कोई डायरेक्ट रिलेशन, वर्किंग रिलेशन अभी भी नहीं है और आगे भी नहीं है। देखिए, मैं ये जितने लोगों से मिलता हूँ ये स्वाभाविक प्रश्न है, और कई मैं आर्टिकल्स लोग जो सो कॉल राजनीतिक विश्लेषक हैं वो लिख रहे हैं कि बिहार में तो कास्ट रिडन सोसाइटी है और कास्ट पर ही राजनीति होती है, इसलिए कोई भी आदमी यहाँ आकर चुनाव लड़ के जीत नहीं सकता है। पहली बात कि सिरे से ये बात को खारिज करता हूँ, अगर आप डेटा को एनालाइज करेंगे तो अलग अलग समय पर आपको दिखेगा कि जो सो कॉल्ड कास्ट रिडन सोसाइटी है उसमें भी लोग जातियों से ऊपर उठकर वोट करते रहे हैं। अगर आप आज की परिस्थिति को ले लें, आप लोग सब विशेषज्ञ हैं, राजनीति को कवर करते हैं, बिहार में सबसे ज़्यादा वोट आज नरेंद्र मोदी जी को है। नरेंद्र मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं आप मुझे बता दीजिए। अगर बिहार में हर आदमी जाति पर ही वोट कर रहा है तब तो नरेंद्र मोदी जी को एक वोट भी नहीं मिलना चाहिए बिहार में। तो ये कैसे मैं मान लूं कि यहाँ पर सिर्फ जाति के आधार पर ही वोट पड़ता है। दूसरी बात कि अगर आप जातियों को साथ एक बार को बहस के लिए मान भी लें कि जाति के आधार पर ही वोट पड़ता है, तो हर जाति में अच्छे लोग हैं, हर जाति में ऐसे लोग हैं जो कि बेहतर ही सोच सकते हैं या बेहतर कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर जाति के सबसे गलत लोगों को ही आप सामने लेकर चुनाव लड़ें। कोई एक व्यक्ति प्रशांत किशोर तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, पार्टी बनाएंगे नहीं। जब मैं सारे लोगों को जोड़ने की बात कर रहा हूं तो स्वाभाविक है उसमें सारे समाज के लोग होंगे, उन सारे समाज के अच्छे लोग भी होंगे। लेकिन जहां तक आपने बात कही कि सिर्फ कास्ट की बात नहीं है, मुद्दों की बात भी है, चेहरों की बात भी है, जिस चेहरे पर लोगों का भरोसा होगा, जो जिस चेहरे जिस व्यक्ति जिस ग्रुप के साथ ये बिहार के लोगों को लगेगा कि ये बिहार में नया रास्ता या नया सोच दिखा सकते हैं, उसके साथ मेरा पूरा यकीन है कि लोग जुड़ेंगे। और जहां तक मुद्दों की बात है, मैं बात अपनी कंप्लीट करूं, सिर्फ मुद्दों को समझने के लिए कोई बिहार में, आप मुझे एग्जांपल बता दीजिए पिछले 15-20 साल में जिसने इतना बड़ा प्रयास किया हो। मैं 3000 किलोमीटर पैदल चलने की बात कह रहा हूं, लगातार 8 महीने 1 साल उनको समझने के लिए, लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या करना चाहते हैं और लोगों की आशाएं और अपेक्षाएं क्या हैं, उस चीज को समझने में मैं अगला 1 साल लगाना चाहता हूं। मैं चुनाव से 6 महीने पहले आकर कोई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की प्रक्रिया का हिस्सा अभी नहीं हूं। साहब, मैं 1 घंटा यहाँ बैठा हूँ, 2 घंटे जरूरत है तो बैठूंगा। आप एक एक करके पूछेंगे तभी मैं आंसर दे सकता हूँ। नीतीश जी,
में होने का जो दरवाजा है खुला है या ये चैप्टर को क्लोज माना जाता है? और दूसरी बात कि इतने सारे दलों से जुड़े होने या अप्रत्यक्ष रूप से उनके लिए काम करने के बाद आइडियोलॉजी के लेवल पर आप किसके साथ अपने को ज्यादा करीब पाते? देखिए, आपने कहा कांग्रेस का रास्ता, भाई कांग्रेस से बातचीत एक दूसरे फॉर्मेशन में हो रही थी, उन्होंने और हमने ऐसा मिलकर तय किया कि आगे चलने की अभी कोई संभावना नहीं है। उसके साथ ही मैंने आपको ये कहा कि मैं आपके सामने कैमरे पे पब्लिक को ये एश्योर कर रहा हूँ कि मैं पूरी तरीके से अपना समय, अपना तन मन बल बिहार के लिए समर्पित कर रहा हूँ। अब आगे मैं कांग्रेस के साथ काम करूं या किसी के साथ काम करूं, अगर एक मिनट उसकी संभावना मान भी लें बहस के लिए, तो भी बिहार के प्रति जो कमिटमेंट है और बिहार सेंटर में ही, उस पूरी परिकल्पना में बिहार सेंटर में रहेगा ही रहेगा। इस चीज पे मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। किस चीज के लिए? जन सुराज कैंपेन के लिए फंड रेजिंग कैसे होगी, पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे कहाँ से आएंगे मेरे भाई? ऐसा है कि जिसके साथ जनता का समर्थन है, अगर जनता का समर्थन मेरे पास होगा तो वोट है तो नोट का जुगाड़ हो जाएगा। समाज पैसे का की व्यवस्था कर देता है, आप उसकी चिंता न करें। और अगर कोई कमी होगी तो आपके माध्यम से जनता को अपील करेंगे कि कुछ और रिसोर्स के साथ हमारी मदद की जाए। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।